मार्च 5 तारीख बिजू बाबू जन्मतिथि एवं बिजू बाबू जन्मतिथि को केवल समग्र ओडिशार नुहे ओडिशा बाहर समग्र देश रे एवं विश्व विभिन्न जगह लोक पालन कर आज जिते बिजुबाबू को जन्मदिन बोधे 105 वर्ष बिजुबाबू पहुँचे से ही समय आम जी बिजुबाबू व्यक्तित्व संपर्क आलोचना करवा ताल जापर जे बिजु पटनायक को अनेक लोक भावती से पूर्वतन मुख्यमंत्री कि पूर्वतन केन्द्रमंत्री से जदि आम सीमा रेखा को टाणी देवा ताल बिजु पटनायक प्रति अन्याय हम बिजु पटनायक एकाधार शिल्पपति भी थे बिजु पटनायक समाज संस्कारक थिले बिजु पटनायक विज्ञान रे विश्वास करूथले एवं बिजु पटनायक तांकर जीवन शैली को एपरि भाबरे सजेई थिले छात्र जीवन रु युवक पर्यंत एवं युवा अवस्था रु मृत्यु पर्यंत जे कोनसे लोक तांकर समस्त घटना को आलोचना करिवे करिवा उचित किंतु बिजु पटनायक जहाँ पर्सनालीटी व्यक्तित्व ताकु आज पर्यंत ठीक भाव लोकों निकट रखा जाई परिना एवं अनेक समय राजनीति को प्रवेश कला परे जेके व्यक्ति राजनीति को प्रवेश करे स्वाभाविक भाव किसी समर्थक रे कि विरोधी रे कि बिजु पटनायक केवल राजनेता हिसाब से जदि आम चर्चा करवा किए भल बाछ किए खराब बाछ किंतु बिजुबाबू सहित मोर मिशिवार सुजोग मिलता छात्र अवस्था मु केन्द्रापड़ा कॉलेज रे पढ़ु थाए केन्द्रापड़ा कॉलेज छात्र संसद सभापति थी एवं से राजनीति करने को प्रबल इच्छा थाए राजनीति विषय में विशेष किसी धारणा भी न था किंतु बिजु पटनायक व्यक्तित्व मो भली अनेक युवक को अट्रैक्ट कर बिजु पटनायक जो अट्रैक्शन से मो भली बहु युवक बहु लोक प्रति आकृष्ट होते सामिल होते बिजु बाबू से 1969 मसीह कथा मुझे 69 मसीह कॉलेज यूनियन सभापति था केन्द्रापड़ा कॉलेज बिजु बाबू कांग्रेस दल रु बाहरी आसते स्वराज आश्रम रे कांग्रेस रे बैठक चली था एवं से बैठक रे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी रु पर्यवेक्षक भाव से दरबारा सिंह आसते सी भी लंबा चौड़ा लोक बिजु बाबू भी लंबा चौड़ा जो कलिंग रथ जहाँ कहुच जो व्हील्स भैन से भैन से ओल्लैले एवं प्रदेश कांग्रेस कमिटर बैठक जोग दवाई से आसले एवं से ही प्रदेश कांग्रेस कमिटी बैठक में निष्पत्ति निगला ये उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी एक निरपेक्ष कांग्रेस डिवीजन होता है से डिवीजन ने उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी निष्पत्ति नला जे आम निरपेक्ष सुप्रीम कोर्ट जो पर्यंत निष्पत्ति न नहीं प्रकृत कांग्रेस किए एवं से दिन संध्या बेले प्रजातंत्र कागज डॉक्टर महताबंकर से बाहर जे उत्कल प्रदेश कांग्रेस उत्कल कांग्रेस रे परिणत है बिजु बाबू संध्या बेले स्वराज आश्रम आम सब छिड़ाई था प्रताप चंद्र महांती प्रहलाद मल्लिक नीलमणि राउतराय कठू आरंभ कर विशिष्ट नेता मैंने चारिपर्या घेरिकी था समस्त पाखे बस था आम सब शुणु था बिजु बाबू कहले प्रताप उत्कल कांग्रेस डॉक्टर महताब हाज गिवन ए गुड नेम भल ना टे उत्कल कांग्रेस गठन करो तार संविधान लेखो
एवं प्रताप बाबू कहले संविधान कौन आम तो कांग्रेस वाला जहाँ संविधान अच्छी से उत्कल प्रदेश कांग्रेस जगह उत्कल कांग्रेस लिखि दिजिव आउ पी संविधान कौन से गोटे संविधान आउ कौन से उत्कल कांग्रेस गठन होता एवं उत्कल कांग्रेस गठन होगापर बिजु बाबू तार नेतृत्व नेले एवं तार प्रथम सम्मेलन बालीचंद्रपुर ठार होता से सम्मेलन धूमधड़ाक भल भाव बिजु बाबू को विराट संवर्धन से बिजु बाबू से एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करते से गुरुत्वपूर्ण घोषणा थी जे जेपर्यंत ओडिशा को विशेष अधिकार न दि एवं केंद्र सरकार जो समस्त क्षमता को केन्द्रीभूत कर राज्य को से अधिकार जदि न दि जाए ताले ओडिशावासी मंगल हबरे ओडिशार विकास असंभव जदि मु गोटे पहाड़ बिक्री कर दिए ताले ओडिशा सब समस्या को समाधान करा जाई पारि एवं से कथा को अनेक लोक मिसअंडरस्टूड करते दिल्ली में सेत बड़े बिजु बाबू बोधे चाहते ओडिशा को एक स्वतंत्र रिपब्लिक परिणत करना कौन अनेक लोक अनेक भाव मिसइंटरप्रिट कले किंतु बिजु बाबू स्वप्न थिला जे केंद्र बा दिल्ली इते अधिकार को नियंत्रित करुछि जहाँफल कौन से राज्य विकसित हो पारना जदिव पोटेनसीआलीटी अच्छी से कथा को उत्कल कांग्रेस मेन मैनिफेस्टो रखिले एवं निर्वाचन लड़िले उत्कल कांग्रेस निर्वाचन लड़ला 1971 मसीह बांग्लादेश वार पर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रभाव समग्र देश में व्यापक भाव थाए कि सत्वे उत्कल कांग्रेस 31टा सीट रे विजयी होता स्वतंत्र पार्टी सेमती 35 कि 36 सीट रे विजयी होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस दल ने से बड़े डॉक्टर महताब जोग देते तार नेतृत्व नौले से जा दिल्ली विधानसभा निर्वाचन फलाफल बाहर सरलापर जदि बिजु बाबू से चारोटी जगार निर्वाचन हारी जाइए एवं हारी जला भी से भाविले कौन प्रकार एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन हम से गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने महताब बाबू जा दिल्ली से प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को इंदिरा गांधी को भेटिले एवं से मुख्यमंत्री हबार प्रचेषा था कारण कांग्रेस को अधिका सीट मिलता कितु मेजोरीटी नाला इतिम्य महताब बाबू दिल्ली आसवा पूर्व बिजु बाबू श्रीयुक्त राजेन्द्र नारायण सिंह दंग सांगे आलोचना कले एवं जेएमएम से तत्कालीन नेता मैंने छज एमएलए था जेएमएम ताको नहीं एक क्वालिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने निष्पत्ति नेले एवं से क्वालिशन गवर्नमेंट को किए हेड करे से संपर्क प्रथम राधानाथ रथ को निमंत्रण करागला कहगला राधानाथ बाबू मना कर दे विश्वनाथ दास को रिक्वेस्ट करा से राजी होते विश्वनाथ बाबू नेतृत्व में उत्कल कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी एवं जेएमएम को नहीं एक कोआलिशन गवर्नमेंट गठन है अर्थात सेतेबले जो आंधी थिला श्रीमती इंदिरा गांधी सपक्ष में बांग्लादेश वार पर सेतेबले भी बिजु बाबू से आंधी को सामना करथिले एवं तापरे भी एक सरकार गठन कराई पारी जदिओ से निजे चारि जगह फारी बिजु बाबू बा इलेक्शन लड़ले राजनगर कारण प्रहलाद बाबू दी जगह जीति प्रहलाद मल्लिक पटामुंडई और राजनगर राजनगर एक जनरल सीट थी पटामुंडई एक एसी सीट थी रिजर्व सीट ताकू रखिले प्रहलाद बाबू एवं बिजु बाबू राजनगर बा इलेक्शन लड़ले जीतिकी आसले विश्वनाथ बाबू भी विधानसभा को राउरकेला जीतिक आसले जितेबले अनेक लोक भाविले बिजु बाबू को मुख्यमंत्री कर स्वाभाविक भाव से लोक जनप्रिय नेता थे एवं जितेबले आंटी डिफेक्शन आईन टी से पालन हो ना जो शुणाला जे बिजु बाबू मुख्यमंत्री हे से उत्कल कांग्रेस को भांगा को उद्यम करागला उत्कल कांग्रेस किसी एमएलए कांग्रेस से जोग दे घटनाक्रमे धीरे 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 उत्कल कांग्रेस
प्राय अधिकांश लोक चलीगले एवं कांग्रेस दल में सामिल हो गले तापरे से गवर्नमेंट भांगिला से गवर्नमेंट भांगिला बिजु बाबू कर से समय मु देखी बिजु बाबू जो दिन उत्कल कांग्रेस पता को फॉरेस्ट पार्क जो पर जनता दल ऑफिस होता उत्कल कांग्रेस पता को ओल्लै तापरे बिजु बाबू किसी दिन पाई ओडिशा छाड़ी चल जाए एवं तापरे पुणी से गवर्नमेंट रो आयुष कम दिन चलला कारण नंदिन देवी आसिकी भांगला परे कांग्रेस कांग्रेस रो से मुख्यमंत्री हेले महताब बाबू मुख्यमंत्री हो पारे ना नीलवणी बाबू से गवर्नमेंट नंदिन देवी गवर्नमेंट था से गवर्नमेंट को पुणी केमती भंगा जाए माने भंगा जीव से लगे योजना चलला महताब बाबू आरएन सिंहदेव बिजु बाबू जो मेट है प्रगति दल जो मेजोरीटी है जो गवर्नर पाक जाती गवर्नर सका असेंबली डिजल्व करदे जहाँफल आउ थ इलेक्शन है से इलेक्शन रे पुणी कांग्रेस जीतला नंदिन देवी जीत के आसे पुणी मुख्यमंत्री हेले तापर समग्र देश आंदोलन एमरजेन्सी एमरजेन्सी पूर्वर जयप्रकाश आंदोलन चलला से आंदोलन एत व्यापक होता से एमरजेन्सी लागू करमरजेन्सी एपरी अवस्था है जहाँफल एमरजेन्सी बिजु बाबू को जेल जी पड़ा आम से छात्र नेता हिसाब से जेल गलु 19 मास जेलखाना रहिलु एवं बिजु बाबू जेल से हरियाणा दिल्ली रा जेल तिहार जेल रे महताब बाबू भी जेल गले केवल नीलवणी बाबू जेल जा नथले कारण सी दलर सभापति थे ये घटना एपरी एक राजनीतिक घटना जो थे कि अति क्लोजली बिजु बाबू को देखी बिजु बाबू हारी चार जगह से आदौ स्थित प्रज्ञ अच्छे जे हारिवाटा को से स्पोर्टिवली नहीं जितवा हार एक स्पोर्टिवनेस को देखी से हारिवाटा को भी एत माइंड को नहीं ना बर बीरेन द बीरेन मित्र से हारी जा कटक रु सी निजे हारी बिजु बाबू कि बीरेन मित्र को जाकि सांत्वना दूसरी अरे ठीक अच्छे हारीगलु हारीगलु ये हूँ बिजु बाबू नेतृत्व परिकाष्ठा बिजु बाबू को अनेक लोक देखते मुख्यमंत्री हिसाब से कि बिजु बाबू जो विरोधी पक्ष आनंद भवन में कटक रोते भुवनेश्वर से विशेष रो नौले कटक रोते कटक थी मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटीज एवं से ही समय मोर बिजु बाबू सांगे संपर्क धीरे 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 सी ये घटनाक्रमे तापर 77 मसीह एमरजेन्सी सरी एमरजेन्सी 77 विधानसभा को मुझे जीतिक आसली आम बहुत लोक से विधानसभा को आसते बिजु बाबू पार्लियामेंट को जाते बिजु बाबू केन्द्र मंत्री थे नीलवणी बाबू ये मुख्यमंत्री हेले से गवर्नमेंट पुणी 80 मसीह जितेबाला गवर्नमेंट चेंज है पुणी भोट है और इंदिरा गांधी पुणी जीतिक आसते से गवर्नमेंट को भांगी दिया ये जो उत्थान पतन भितर से 80 दशक 90 दशक रे एक घान चकट भारत वर्ष राजनीति एवं एठी भी ओडिशा मध्य एवं धीरे 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 बिजु बाबू कांग्रेस रु बाहरी आसला परे आउ कांग्रेस को से फेरी ना जनता दल जनता पार्टी तापरे लोक दल तापरे प्रगति दल तापरे लोक दल तापरे पुणी जनता पार्टी जनता दल गठन है एवं 1991 से पुणी ओडिशा मुख्यमंत्री हेले एवं ए समय भितर बिजु बाबू को मुझे जैसे स्टडी कर ये राजनीतिक जीवन में अनेक उत्थान पतन बिजु बाबू देखी से खातिर करना कि बिजु बाबू चरित्र सब बड़ कथा है से सब बड़े चैलेंज को ग्रहण करना एकला सामना करला पुणी सामना कर पुणी लड़ुंट लोकों भितर को जा लोक समर्थन पाई ये हूँ बिजु पटनायक चरित्र जो मैंने बिजु बाबू संपर्क बिजु पटनायक
तर पॉलिटिकल हिस्ट्री को जदि लोकलोचन को अणा जाता विशेषकर आज देश समग्र देश में जो प्रकार स्थित राजनीतिक स्थित विजु बाबू जेहेतु सर्वदा धर्मनिरपेक्षतार विश्वास करती विजु बाबू सर्वदा विश्वास करती जे किपर भारत वर्ष विज्ञान प्रसार हो पार आम राज्य केमी विज्ञान प्रसार हो पार विजु पट्टनायक सब बड़े प्राक्टिस सब कथा देखा अनेक लोग भावती विजु पट्टनायक घरे जन खानसमा थे से मुसलिम वेटर जन दलित ड्राइवर जन ब्राह्मीण ये अनेक राजनेता जापर नहीं विजु पट्टनायक निजस्व जीवन शैली कौन थी से सेकुलरिज्म जोटा कहें से धर्मनिरपेक्षता कथा केवल कह नौले से अंगीकारबद्ध जीवन शैली भी आनी मुझे जानी पर समस्ते विश्वास करती ब्राह्मण समाज राजा राममोहन राय से परम माने विश्वास करते जो सामाजिक परिवर्तन विश्वास थे से अंगीकारबद्ध थे विजु पट्टनायक कलिंग ट्रस्ट करते कलिंग फाउंडेशन करते कहीं कर विज्ञान रमी समग्र विश्व नोबेल प्राइज था सेमती नोबेल प्राइज भली कलिंग प्राइज सेमती सारा विश्व यूनेस्को द्वारा परिचालित कर आज भी चलती विजु पट्टनायक केवल भारत वर्ष स्वाधीनता संग्राम निजक सामिल कर विजु पट्टनायक विश्व इंडोनेशिया आरंभ करी एवं सेकेंड वर्ल्ड वार बेले से थे कहते मुझे पचारि मुझ चाइना जा चाइना फेरिकी विजु बाबू चाइना विषय कहली से चाइनार गली कहते जानते सब कथ कहले कहे आम से जापानीज फोर्स को फेस करूँ चाइन रही अमक सहर दमक सहर जो सहर से मुझे मसे बोलिक आ चाइन कि विजु बाबू को नखदर्पण जमी चाइना था रशिया था से भाई व्यक्तित्व मुझे भावी भारत वर्ष खूब रेयर खूब रेयर से केवल राजनेता बा मुख्यमंत्री केन्द्रमंत्री अनेक लोक मुख्यमंत्री होती अतीत में जा किए भी आहरी मुख्यमंत्री अच्छा आपरे आए भी मुख्यमंत्री एवं बड़ कथा नुहे किंतु विजु पट्टनायक विषय प्रत्येक ओडिशार युवक छात्र मैंने संपर्क समीक्षा होगा उचित एवं विजु पट्टनायक संपर्क गोटे मो मत उत्कल विश्वविद्यालय एक चेयर हवा उचित जहाँ फल रिसर्च हो लोके जानतु आगामी पीढ़ी जानतु नुआ पिला माने जानतु साहसिकता संपर्क अवदान संपर्क कमिटमेंट संपर्क से को मॉडर्न ओडिशा को एक मॉडर्न स्टेट रे कन्वर्ट करने डिकेड ऑफ डेस्टिनी जो 61 मसीह से मुख्यमंत्री थे से डॉक्टर खोसला को आनी एटिकार गवर्नर करी और डॉक्टर खोसला जन विशिष्ट इंजीनियर थे शेष प्लानिंग कमिशन चेयरमैन होते ठीक आनी ओडिशा को 10 वर्ष 12 वर्ष भितर मुझे ओडिशा को एक मॉडर्न स्टेट रे परिणत करी आम साउथ ईस्ट एशिया सब मॉडर्न पार्ट इंडिया रो पार केवल ओडिशा ये ना कौन ये खनिज संपद भरा ये बक्साइट अच्छे क्रोमाइट अच्छे मैंगानीज अच्छे आयरन अच्छे डोलोमाइट अच्छे व्हाट नॉट एवरीथिंग एटी जंगल संपत्ति रही खनिज संपत्ति रही नदी नाल भर्ती होड़शा एवं ताकू आमे एक मॉडर्न स्टेट रे कन्वर्ट करूँ दैट वाज हिज ड्रीम से हूँ तो पूर्णांग से स्वप्न को साकार कर पारिना मुझे भाव राज्य सरकार पक्ष विजु बाबू संपर्क डिटेल चित्र पिला स्कूल रु कॉलेज रे ये समस्त कथा को जानवा उचित एवं आपको राजनीतिक दृष्टिकोण न नहीं विजु बाबू को बीजेडी रो संपत्ति हिसाब से व्यवहार करा जीवा उचित नुहे मोर निर्दिष्ट मत आज नुहे जो दिन ठू बीजेडी गठन होती विजु पट्टनायक बीजेडी रो संपत्ति हिसाब से व्यवहार कर किसी दिन किसी लोक हूं तो राजनीतिक फायदा नहीं पारती
किंतु बिजु पटनायक प्रति न्याय नुहे जे भी राज्य मुख्यमंत्री हूँ ना कहीं मुझे ओडिशा मुख्यमंत्री बिजु बाबूर सुपुत्र श्री नवीन पटनायक अच्छा हुए तो एम्बारसमेंट हो पाए अधिका किसी बिजु बाबू संपर्क जदि प्रचार कराए कि मो मत जी भी राज्य मुख्यमंत्री हूँ आगामी दिन में भी बिजु पटनायक ओडिशा लोकों निकट में ओडिशा विशेषकर युवपीढ़ी निकट में पहुँचे पारे ठीक भाव मुझे ओडिशा मंगल हम ओडिशा आगामी पीढ़ी बिजु पटनायक एंटरप्रेन्योर कलिंग ट्यूब्स एशियार सब फर्स्ट ट्यूब्स कारखाना होता चौद्वार कलिंग रेफ्रिजरेटर एशिया मुझे भावी तो एवं सब विभिन्न रेफ्रिजरेटर कंपनी आते बड़े एयरलाइंस कलिंग एयरलाइंस केत लोक कथा कह इन वन साइड ही इज एन एक्सलेंट एंटरप्रेन्योर इन अदर साइड ही वाज एन सोशल रिफॉर्मर एंड एट द सेम टाइम ही वाज ए नेशन बिल्डर तो एभरी एक पर्सनालिटी भारत वर्ष रे बिरल एवं मोर सौभाग्य तांको संगरे मिशिबार तांकु अनेक कथा शिखिबार जानिबार सुजोग मिली एवं से लगे मुझे सर्वदा निकट ऋणी और जन्मतिथि मो पक्षर मुझे मोर श्रद्धाजलि ज्ञापन करुच्ची आंतरिक श्रद्धाजलि ज्ञापन करुच्ची।